मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी ये बांसुरी बजाया ना करो। सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सूरत तुम्हारी देख के सलोनी सावरी, सुन बांसुरी की धुन को मैं हो गई बावरी, सुन बांसुरी की धुन को मैं हो गई बावरी। अपनी यशोदा मात की सौगंध है तू, के तीर पे तुम आया ना करो। इस
बांसुरी तानते इस बांसुरी तानते सताया करो जादू भरी बांसुरी बजाया करो मन में तुम आया करो जादूगरी बांसुरी बजाया करो ओ मन हमारे मन में तुम आया करो जादूगरी बांसुरी बजाया करो तूने बना लिया
मुझे हर्षि भीतिमशेष जन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तो धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द चित्ता नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते गोष्पदी कृतवारीशं मसकी कृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वंदे अनिलात्मजं वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने दूर्वादलं दुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरं वर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनी किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशं वंदे विदेह तनया पदपुंडरीकं कैशोरसौरभ सबाहित योगी चित्तं हंतुं त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यं सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजं मुकुंद माधव गोविंद वो केशव माधव हरि हरि मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल केशव माधव हरि हरि
सब पाशु देव बनवारी केशव वासुदेव बनवारी ब्रह्मस्वरूप भगवत कथानुरागी भक्त श्रोतागणों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री राधा कृष्ण की थोड़ा इको और कम करो, भगवान लक्ष्मी नारायण की, सीताराम जी की, भगवान उमा महेश्वर की महती कमनी कृपा कटाक्ष से पशुपति नगर यशोदा नगर की पवित्र धरा पर कलिकलमश विध्वंसिनी त्रिताप मोचनी भक्ति मुक्ति दायिनी दिव्य श्रीमद भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का एकादशम भाव पुष्प भगवान राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित और इस पावन परिसर में समस्त देवता समस्त धाम विराजमान हो रहे हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। गंगा जी, यमुना, सरस्वती, तुंगभद्रा, कृष्णा, कावेरी, पंचमहान नर्मदा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र आदि पावन सरिताएं, अयोध्या, कांची, वृंदावन, प्रयाग आदि पावन धाम, संपूर्ण देवता देवी विराजमान है। हनुमान जी की भावमयी उपस्थिति है और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ। परमात्मा की सृष्टि में 84 लक्ष योनियां और उनमें ये मानव देह सर्वश्रेष्ठ और इस मानव देह का लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति और भगवत प्राप्ति के लिए जप तप व्रत अनुष्ठान यज्ञ योग अनेक मार्गों में भक्ति योग मार्ग सर्वश्रेष्ठ है और भक्ति नवधा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम्। भगवान की कथा श्रवण करना, संकीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, अर्चन वंदन सखा भाव दास्य भाव और संपूर्ण समर्पण, ये नवधा भक्ति में श्रवणम सर्वप्रथम है। प्रथम भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा सुनना। निरंतर ही भगवान की कथा अमृत का पान करने वाला भक्त भगवत प्राप्ति कर लेता है। जो व्यक्ति ये सोचे हम कई बार भागवत श्रवण कर चुके, अब हम पूर्ण हो गए, तो ये अज्ञता है। क्योंकि भगवान का चरित्र सुनकर कोई तृप्त नहीं होता। रामचरित्र जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। श्रोताओं की कान समुद्र की तरह है और ये भगवान की कथा सरिताओं की तरह उन कर्णकोरों में जाती है और कान कभी भरते नहीं। ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान का वास होता है। कथा जहां होती वहां अमृत की धाराएं प्रकट होती हैं और अमृत धाराओं का जो पान करते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। महाराज श्री परीक्षित जी उनको पांडवों ने राज्य दिया और पांडव स्वर्गारोहण कर गए। परीक्षित जी जब राजा हुए तो उनके चरों ने उन्हें अवगत कराया कि कलयुग आ गया है और कलयुग में धर्म का ह्रास होने लगा। सत्यम नास्ति तपः शौचम् दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा बराका कूटभाषिणः। सत्य का लोप हो रहा है, तपस्या पवित्रता दया का ह्रास हो रहा है, धर्म निरंतर क्षीण हो रहा है, धर्म को ग्लानी हो रही है। राजा ने कहा अब हम धर्म का प्रसार करेंगे, जो लोगों को धर्म से अरुचि हो रही है, अधर्म से रुचि बढ़ रही है, इसे हम समाप्त करेंगे और कलयुग को अपने यहां रहने नहीं देंगे। ऐसा निश्चित करके राजा परीक्षित ने सेना ली, रथ पर बैठे, कलयुग को खोजते हुए चल पड़े। दिग्विजय करते हुए राजा परीक्षित जा रहे हैं। जहां जहां जाते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के गुणगान सुनकर प्रसन्न होते हैं। कुरुजांगल नामक प्रदेश में राजा परीक्षित पहुंचे तो उस कुरुजांगल के वन में राजा ने देखा, तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमानम अनाथवत दंडहस्तम च प्रखलम ददृशेन्द्र प्रलांछनम। देखा गो मिथुन को देखा। मिथुन माने जोड़ा, गाय और बैल को देखा। बड़ा सुंदर बैल है, श्वेत वर्ण का है, कमल के तंतु की तरह श्वेत वर्ण है उसका, मृणाल धवल गौर, बड़ा सुंदर वृषभ है। गाय भी बड़ी सुंदर है, श्वेत रंग की है। ये शूद्र राजा हाथ में दंड लिए है और बैल को मार रहा है। बैल के इसने तीन चरण तोड़ दिए, वो एक ही चरण के सहारे चल रहा है। गाय को ये लातों से मार रहा। राजा ने देखा कितना बड़ा अन्याय है।
इन पशुओं पर क्रूरता कर रहा है ये खल। राजा को पशु क्रूरता प्रिय नहीं, जीव मात्र में भगवान है, किसी के प्रति क्रूरता का भाव होना नहीं चाहिए। यहाँ ये संदेश मिलता है, जो पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं, पशुओं को मारते हैं, उनका मांस खाते हैं, वो घोर नरकी जीव है। राजा ने देखा ये बड़ा क्रूर है, ये बैल को गाय को मार रहा है। राजा परीक्षित धर्म की धुरी को धारण करने वाला धार्मिक धर्म धुरंधर राजा है। राजा परीक्षित अर्जुन के पौत्र हैं, भगवान कृष्ण की कृपा पात्र हैं। राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया और लक्ष्य किया उस शूद्र राजा को, मैं भी इसी बाण से तुम्हारा अंत कर दूंगा। जलत गंभीर वाणी जब सुनी उस शूद्र राजा ने तो कंपित हो गया और उसने अपना दंड फेंक दिया, किरीट अपना उतारा, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम कहता हुआ राजा के चरणों में लेट गया। राजा परीक्षित बोले, तुम कौन हो भाई? बोले, मैं तो कलयुग हूं। तो कलयुग तुम ये बैल को क्यों मार रहे हो? बोले, महाराज ये बैल नहीं है, ये धर्म है, धर्म देवता। ये बैल के रूप में छिपा घूम रहा, धर्म बैल के रूप में रहता है और धरती गाय के रूप में। जब संकट आता है तो ये बैल के रूप में हो जाते हैं, वो गाय के रूप में। जब धरती पर संकट आया तो धेनु रूप धरि भूमि बिचारी, गई तहां जहां सुर मुनि झारी, गौर भूत्वा गाय का रूप बना लेती है। तो ये बैल है, ये धर्म है। धर्म के चार चरण, सत्य, तपस्या, दया, दान और त्याग, ये चार चरण हैं। तीन चरण इसने तोड़ दिए, सत्य, तपस्या और त्याग को तोड़ दिया। दान रूपी चरण शेष रह गया, उसे भी नष्ट कर रहा। और ये धरती है, गाय के रूप में मैं इसे मार रहा हूं, मैं अधर्म का मित्र हूं, मैं इस धरा पर अधर्म फैलाना चाहता हूं। राजा बोले, कलयुग नवर्तितव्यम तद अधर्म बंधो, सत्येन धर्मेण च वर्तितव्यम, ब्रह्मा वर्ते यत्र यजन्ति यज्ञाः, यज्ञेश्वरः यज्ञवितान् यज्ञाः। कलयुग, तुम्हें इस धरा पर नहीं आना चाहिए था। नवर्तितव्यम तद अधर्म बंधो, हे अधर्म के बंधु, हे कलयुग, तुम्हें इस भारतवर्ष की धरा में आकर ऐसा अनर्थ नहीं करना चाहिए। ये भगवान राम और कृष्ण के चरणों से चिन्हित वसुंधरा तीर्थ स्वरूपा है, देवता भी इसकी महिमा का गुणगान करते हैं। ऐसी पुण्य भारत वसुंधरा पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। ये ब्रह्मावर्त क्षेत्र है, ब्रह्मावर्ते यत्र यजन्ति यज्ञा, ये ब्रह्मावर्त यज्ञ क्षेत्र है, यहाँ यज्ञ होती है, यज्ञ भूमि है, यज्ञ क्षेत्र है, यज्ञेश्वर भगवान का निवास है, हरि कथाएं होती हैं, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। हम तुम्हारा वध कर देते, लेकिन तुम शरणागत हो गए हो, इसलिए हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तो हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ, हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ। कलयुग बोला, महाराज जहां सूर्य उदय होता है वहां पर भी आपका राज्य है, जहां सूर्य अस्त होता है वहां पर भी आपका राज्य है, मैं कहां जाऊं? वैसे मुझमें अवगुण ही अवगुण है, एक विशेष गुण है जिसके कारण हम पूजनीय हैं, श्रेष्ठ हैं, वंदनीय हैं और सभी योगों से श्रेष्ठ हैं।
राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना अधम पापी युग और ये कह रहे हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, तो कौन सा वो गुण तुम्हारे भीतर है? तो कलयुग बोला, यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत् फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तनाथ। जो फल युगों में तपस्या के द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता था, यज्ञ योग साधना और समाधि द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता था, वह फल कलयुग में केवल भगवत नाम संकीर्तन और हरि कथा श्रवण से प्राप्त हो जाता। इसलिए हम श्रेष्ठ, यही बात हमारे मानस में वर्णन है। सतयुग सब योगी, सतयुग सतयुग सब योगी विज्ञानी, सतयुग सब योगी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी होते थे, हजारों वर्ष की तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे और कोई कोई ही भव सागर से पार जाते थे। फिर आया त्रेता, त्रेता विविधि यज्ञ मुनि करही, प्रभु ही समर्पि कर्म भव करही, में विविध यज्ञ किए गए और विविध यज्ञ करके कोई कोई ही भवसागर से पार जाते रहे। अब आया द्वापर, तो शतयुग में योग यज्ञ का युग रहा, त्रेता में यज्ञ का युग रहा और द्वापर में, द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा, द्वापर में भगवान की मूर्ति की षोडशोपचार पूजा करके भव सागर से भक्त तरे। अब आया कलयुग, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर पावत भव था, कलयुग में केवल भगवत गुणगान करने मात्र से भवसागर की थाह मिल गई, भगवान की कथा सुनने मात्र से भवसागर में थाह मिल गई। एक भक्त ने कहा, हमारा थाह तो मिल गई, तैरना हम जानते नहीं, जल गहरा है तो इसको जल को कम कर दो। बोले, जल कम हो जाएगा? कैसे कम होगा? सादर सुमिरन जे जन करही, ते भव निधि गोपद इव तरही। जो प्रेम से भजन करते हैं, भवसागर उनके लिए गाय के खुर की तरह छोटा हो जाता है। तो कहा, महाराज जी, गाय खुर भर भी जल कम कर दीजिए। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, नाम लेत भव सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही,
लेने मात्र से भवसागर सूख जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। नहीं कलयुग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। योग यज्ञ का ये युग नहीं है। योग यज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये युग तो भगवत नाम संकीर्तन का है। नहीं कलि करम न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। एक विशेषता है। अन्य युगों में यदि कोई मनुष्य मन में पाप सोचता था तो उसका पूरा फल उसे भोगना पड़ता था। कलयुग में मन के द्वारा सोचे पापों का फल नहीं लगता। हाँ, मन के द्वारा सोचे पुण्यों का फल मिलता। इसका अर्थ है नहीं कि मन में पाप सोचे, पाप सोचने से मन खराब होगा। तो बताया, मन में भी सोचे नहीं, यदि कदाचित कलयुग में मन में पाप आया तो उसका फल नहीं भोगना पड़ता। ये विशेषता। कलि के अगणित अमित प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पाप। और बड़ी सुंदर बात, कलयुग के बल ना आधारा, कलयुग के बल ना। सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा, सुमिरि सुमिरि प्रभु नाम स्मरण मात्र से। कलयुग में भवसागर से भक्त उतर जाते हैं, ये विशेषता है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गन विमल, भवतर बिनही प्रयास। बिनही प्रयास, न योग लगाना है, न समाधि लगानी है, न बहुत तपस्या करनी है, केवल कथा सुनो और भगवान का संकीर्तन करो। गाय राम गुण गन विमल, भवतर बिनही प्रयास। जो सतयुग में नहीं तर पाए, त्रेता में नहीं तर पाए, द्वापर में नहीं तर पाए, उन भक्तों के लिए भगवान ने कलयुग बनाया और कहा कलयुग में भक्ति करके, भगवत नाम संकीर्तन करके, हरि कथा श्रवण करके ये भक्त तर जाएंगे। कलयुग में भक्त विशेष अवतरित होंगे। गंगा यमुना नर्मदा पयोषणी ताम्रपर्णी के तटों पर भक्त लोग अवतरित होंगे और भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करेंगे। राजा परीक्षित ने जब सुना कि कलयुग में इतनी विशेषता है तो कलयुग के रहने के लिए चार स्थान दे दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना, यत्रा धर्म चतुर्विध। चार स्थान दे दिए। द्यूतम कहा, जो जुआ खेलते हैं उन पर बैठ जाओ। जो जुआ खेलता है उस पर कलयुग बैठ जाता है, फिर उसे ज्ञान नहीं रहता कि हम क्या हारें क्या जीतें। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया जुआ में, ऐसा कुप्रभाव। तो जुआ में कलयुग का वास दे दिया। पानम मदिरा सेवन में का, जो मदिरा सेवन करें उनके ऊपर बैठ जाओ। जो मदिरा सेवन करते हैं उन पर कलयुग बैठ जाता है, उनकी बुद्धि का विनाश हो जाता है। स्त्रियां जो वेश्यागामी लोग हैं उन पर जाकर बैठो।
सूना जो हिंसा करते हैं, जो हिंसक लोग हैं, इन चार स्थानों में जाओ, लेकिन जहां भगवान की कथा हो रही वहां नहीं जाना। परिहर भगवत कथा सुमत्तान, जो भगवान की कथा सुन रहे हैं उनके पास मत जाना। जिनके घर तुलसी की सेवा होती हो, भगवान शालिग्राम ठाकुर जी की पूजा होती हो, वहां नहीं जाना। जिनके घर भगवान को भोग लगता है तुलसी दल रख करके, साईं भगवान की आरती होती है, भगवत नाम संकीर्तन होता है, ऐसे शाकाहारी वैष्णवों के घर नहीं जाना। जहां संत ब्राह्मण गुरुजनों का पूजन होता है, आदर होता है, वहां नहीं जाना। गाय की जहां पूजा होती वहां नहीं जाना। कलयुग बोला महाराज हर जगह पर आपने पाबंदी लगा दी, एक स्थान हमारे मांगने से और दे दीजिए। बोले मांगो। पुनश्च याचमानाय जात रूपम अदात प्रभु, जब पुनः मांगा तो कहा जाओ स्वर्ण में रहो, स्वर्ण भंडार में, छोटे छोटे आभूषण की बात नहीं, जहां सोने के खजाने हैं, स्वर्ण भंडार है, वहां जाकर रहो। अब कलयुग अंतर ध्यान हुआ, राजा परीक्षित स्वर्ण मुकुट धारण किए हैं, कलयुग इनके स्वर्ण मुकुट में आकर बैठने लगा तो जलने लगा, क्योंकि राजा परीक्षित जो स्वर्ण मुकुट धारण किए हैं वो धर्मराज द्वारा दिया हुआ है। वह स्वर्ण वो धन धर्म के मार्ग से आया है, जो धन धर्म के मार्ग से आता है उसमें कलयुग का वास नहीं होता। देखिए पुरुषार्थ चतुष्टय में धन का भी स्थान है। चार पुरुषार्थ हैं संसार में जिन्हें मनुष्य प्राप्त करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों प्राप्त करना है। तो पहला है धर्म, और धर्म कैसे होगा तो दूसरा है अर्थ, अर्थ माने धन। अब यज्ञ है, भागवत है, ये चैनलों पर प्रसारण है, संतों का भंडारा है, भोज है, ये धन के बिना नहीं संभव होंगे। इसलिए गृहस्थ को न्यायोपार्जित धन का संग्रह करना चाहिए और उसे धर्म में लगाना चाहिए। अधिक यदि नहीं लगा सके तो शास्त्र कहते हैं अपनी आय का दशांश वो धर्म में लगावे। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, वह धन भी धन्य है जो धर्म में लग जाता है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। ये भागवत में वर्णन आया, रामायण जी में भी वर्णन है। तो बहुत से लोग तो इसका पालन करते हैं, इन कुछ लोग मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खी जीवन भर दूर दूर पुष्पों से रस लाकर शहद बनाती है, छत्ता में जमा करती रहती शहद, लेकिन कभी उसका सेवन नहीं कर पाती, उसे मारकर दूसरे ही लोग उसका सेवन करते हैं। मधुमक्खी की तरह है, न स्वयं सेवन किया न धर्म में लगाया, तो उनकी मधुमक्खी की गति होती। दत्तात्रेय जी ने मधुमक्खी को गुरु बनाया, माने प्रेरणा ली उससे, प्रेरणा ली कि देखिए मधुमक्खी ने धन का संग्रह किया और दूसरे ही लोगों ने भोग किया उसका। तुम्हारा धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म हो तो सुख की प्राप्ति होती है। वैकुंठ का द्वार ये धन भी खोल देता है। जो धन धर्म के मार्ग से आवे, धर्म में लगाया जाए, उसमें कलयुग का वास नहीं होता। तो कलयुग नहीं चढ़ पाया राजा के मुकुट पर। एक दिन राजा परीक्षित ने अपना खजाना खोला, उसमें नाना प्रकार के देदीप्यमान रत्न मुकुट रखे थे। राजा ने अपना मुकुट उतार दिया और वह सुंदर चमकीला सोने का मुकुट हीरों से जड़ा उसे अपने सिर पर धारण कर लिया।
देखिए प्रत्येक चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, प्रत्येक चमकदार वस्तु सोना नहीं होती, लेकिन इसलिए समझ करके व्यवहार करना चाहिए। चार प्रकार से परीक्षा होती है, यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निगर्षण छेदन ताप ताड़ने, तथा चतुर्भी पुरुषम परीक्षते दानेन त्यागेन गुणेन कर्मणा। तो सोना को आग में जलाते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, नाना प्रकार से उसकी परीक्षा होती, निगर्षण घिसते हैं, ऐसे ही त्याग से, दान से, कर्म से, गुणों से मनुष्य की पहचान होती। तो अब ये इन्होंने हीरों वाला चमकता हुआ सोने का मुकुट धारण कर लिया, इसलिए स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। वर्तमान में बहुत ऐसे प्रचारक घूम रहे हैं जो नाना प्रकार के प्रलोभन देकर के वैदिक सनातन धर्मावलंबियों को दिग्भ्रमित करना चाहते थे। जो हमारे पुराणों ने, वेदों ने भक्ति का मार्ग बताया है, उस मार्ग से हटाकर भटकाकर दूसरे मार्गों में ले जाना चाहते थे। हमारे राम और कृष्ण की भक्ति जो कर रहे हैं भक्त लोग, बोले ये तो मनुष्य हैं, अब निराकार का ध्यान करो, और उसमें कई पंथ उन्होंने बनाए। गोस्वामी जी ने कहा, भय वर्ण शंकर कलि लुप्त भय सदग्रंथ, दम्भिन निज मति कल्पिक प्रकट किए बहुपंथ। तो इन बहुपंथों के चक्कर में आप कभी ना आओ, ऐसे सत्संगों में न जाएं जहां राम कृष्ण की निंदा हो रही हो, जहां सनातन धर्म की निंदा हो रही हो। स्वधर्म ही श्रेष्ठ है। गीता में भगवान कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। स्वधर्म में निधन भी श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म भयावह।